नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। तारकेश्वर धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, जया किशोरी के भजनों पर झूम उठा सिरसा। तारकेश्वर धाम में भजन संध्या का हुआ था आयोजन, श्रीमद् भगवत कथा का हुआ समापन। सुप्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी के भजनों पर खूब झूमे गोपाल कांडा। पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने दिया संदेश, बाबा तारा और भोलेनाथ की कृपा से होते हैं सभी कार्य। श्रावण शिवरात्रि पर कुटिया में होते हैं अनेकों कार्यक्रम। उत्तर भारत की प्रमुख तपोस्थली श्री तारा बाबा की कुटिया में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 1 अगस्त से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा का समापन भव्य भजन संध्या के साथ हुआ। सुप्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का प्रवचन हुआ। जया किशोरी के भजनों पर झूम उठे श्रद्धालु, अपार श्रद्धा का सैलाब था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा लोक हित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा ने बाबा तारा की प्रतिमा के समक्ष ज्योत प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संदेश में लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि भावपूर्ण शक्ति और भक्ति से ही आदमी अपने प्रत्येक बुराई पर जीत प्राप्त कर सकता है। विशेष रूप से भजन संध्या में गोपाल कांडा के समधी प्रतिष्ठित उद्योगपति सुभाष गोयल और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने भाग लिया। जया किशोरी के भजनों ने हर किसी को नाचने पर मजबूर कर दिया। एक के बाद एक भजन गाकर जया किशोरी ने लोगों को भक्ति गंगा में खूब डुबकी लगवाई। कुटिया में कल महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारा भी लगाया जाएगा। श्री तारकेश्वर धाम में स्थापित अति विशिष्ट शिवलिंग पर लोग अपनी बड़ी संख्या के अंदर जलाभिषेक करेंगे। आप देख रहे हैं पल पल से अमर सिंह जाने की ये रिपोर्ट। मां के बिछुड़ने का कम नहीं होता,
माँ के बिछुड़ने का अंतम नहीं होता, इन आंखों के झरने का कोई मौसम नहीं होता, माँ के बिछुड़ने का अंतम नहीं होता, इन आंखों के झरने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच में आवाज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता।